हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर शानी का चैनल। 2:30 बजने वाले हैं, ब्लॉग अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज सुबह से मैं कुछ बनाई नहीं थी ब्लॉग में, मतलब कुछ ही नहीं शूट किया, कैमरा उठाई नहीं थी, तो फिर बनाने का कोई बनता ही नहीं है कुछ भी। सो अभी 2:30 बजे नहीं है, 2:30 बजने में थोड़े से टाइम है हमारा लंच। मम्मी अभी लंच कर रही है, लंच हो रहा है यहाँ। स्पर्श सामने दिखाती हूँ मैं, स्पर्श को क्या कर रहा है यहाँ पे। स्पर्श सारा कलर लेके और उसने सबका कैप वैप सब निकाल दिया है। इसके पास मैंने 3 सेट इसको कलर दिया था और तीनों का इधर सब कुछ हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। देन यहाँ पे मैं आंगन में आ गई थी और आंगन में मम्मी चावल चुनने के लिए, चावल बहुत सारा निकाली थी क्योंकि जो डब्बे का चावल था वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद उसमें चुनना भी था, थोड़े बहुत धान थे और धान निकालना था, बाकी उसको मम्मी साफ़ करेंगी और फिर डब्बे में डालना है क्योंकि डेली में जब बनते हैं ना। तो यहाँ पे मैं ली थी, लेकिन मैंने मम्मी को बोला मम्मी पहले साफ़ कर लो, उसके बाद जब चुनने में ना सही रहता है, नहीं तो फिर पहले चुनो तो बहुत ही छोटे छोटे हल्के हल्के जो धान नहीं थे वो कुछ और थे, वो बार बार आ जा रहा था। तो इस तरीके से ऐसे कभी फ्री टाइम रहता है ना तो ये सब चीज़ें करने में काफ़ी अच्छा लगता है फ्री टाइम में। और सब मिलके हम बातें भी कर रहे थे, मीना भी यहीं पे थी, मम्मी थी और मैं थी, तीनों लोग बैठ के बातें कर रहे थे और ये काम भी हमारा हो रहा था आसानी से। तो यहाँ देखिए ये सब छोटे छोटे निकले हुए हैं, लेकिन मम्मी को बोली कि मम्मी पहले आप साफ़ कर दो फिर हम चुनेंगे, तो वही मम्मी अब कर रही थी। और भी चावल थोड़ा सा लेके आई हैं, तो ऐसे चावल चुनना दोपहर के टाइम अगर फ्री रहो या फिर शाम के टाइम अच्छा लगता है। यहाँ देखिए मम्मी साफ़ कर रही हैं चावल को पहले, उसके बाद फिर हम चुनेंगे। और आंगन में ही था, देखिए कितने सारे मैंने धान निकाले हैं, साइड साइड में सब गिरा हुआ है। तो ये सब कुछ हो चुका है, अब इसको रखना है डब्बे में। 4-5 थाली में हुआ था तो ये सब मम्मी डब्बे में डाल रही हैं। यहाँ पर ये चावल जो रखते हैं वही वाला डब्बा है। तो बस ये काम हमारा फिनिश हो गया और बैठे बैठे हंसी मजाक में हमारा ये सारा काम हो गया आज। यहाँ पे मीना सब्जी बना रही है और सब्जी के लिए वो प्याज तेज पत्ता वगैरह सब कुछ वो डाल दी है। और उसके बाद जो भी शाम का टाइम था, ये दोपहर के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, जस्ट शाम में एक ही बार। और मैं यहाँ पे रूम में थी, रूम में ही आराम कर रही थी मैं, और आज मैं कोई काम नहीं कर रही थी। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा ब्लॉग्स में, यहाँ पे बना रही है आलू और केला की सब्ज़ी, बहुत ही अम्मी सब्ज़ी बनी थी सच बता रही हूँ। और इसमें सरसों मसाला जो होता है ना वो डाल के बना था। अगर केले की सब्ज़ी में कभी भी आप सरसों मसाला डाल के बनाओगे बहुत ही अम्मी बनता है। और थोड़ा सा केला कम पड़ गया तो आलू मिक्स कर दिया गया था, लेकिन बहुत टेस्टी मीना ने सब्ज़ी बनाया था और हम सब बहुत अच्छे से खाए थे। और जितनी बार खा रहे थे उतनी बार हमारे मुंह से निकल रहा था बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो जैसे ये जो केला और आलू है इसको भून लेंगे, उसके बाद इसमें जो आलू था वो भी डाल दिया। पहले थोड़ा सा केला को भून लिया, उसके बाद आलू, उसके बाद थोड़ा सा जब ये भून जाएगा ढक के पकाना होगा और जब ये अच्छे से इसका कलर वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा उसके बाद जो मसाला है वो डालना होगा। और मसाला में सरसों और लहसुन को थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया गया है। उसके बाद उसी में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अगर आप हरी मिर्च खाते हो तो हरी मिर्च डाल सकते हो, वही सब मसाले इसमें ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे वो ऐड कर रही है। आज मैं बस रेस्ट कर रही थी, बस आज पूरी के पूरी, मतलब ना एक होता है ना कि काम ही मैंने कोई काम नहीं किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है दवाई की वजह से, और मैं उसी वजह से मैं सो रही थी। और अब ये मत कहना कि मैं काम नहीं कर रही, क्योंकि करो तो भी आप लोग कमेंट कर देते हो, ना करो तो भी आप लोग कमेंट कर देते हो। तो यहाँ पे नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर सब उसने मिक्स कर दिया है उसी बाउल में। और देन वो चेक कर रही है यहाँ पे कि सब्ज़ी बनी कि नहीं। ये सब्ज़ी आप लोग बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप तुलसी वाली चाय की रेसिपी नहीं बताते हो, तो आज के ब्लॉग में मैं बताऊँगी आपको तुलसी वाली चाय की रेसिपी। यहाँ पर मैं किचन में आई थी, कुछ काम था मुझे तभी मैं आई थी, और नहीं तो फिर मैं अभी अपने रूम में जाऊँगी और रूम में जाने के बाद फिर मैं ना दवाई
मुझे खाना था। यहाँ पे मसाला उसने डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसके बाद उसको भी कढ़ाई में डाल दें। उसके बाद जस्ट ये सब्ज़ी हो जाएगी, 5 मिनट और लगेंगे क्योंकि वैसे ही भूनने के बाद ये जो केला और आलू था वो पक चुका था। यहाँ मैं आ गई हूँ दवाई खाने के लिए, और यहाँ पर स्पर्श भी है, और स्पर्श यहाँ पर लेटा हुआ था बेड पर, और मैं बस चेक कर रही थी क्योंकि कुछ दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई थी और ये दवाई मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे खाना है नहीं खाना है। फिर मैं ये बेड के साइड में बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें कुछ ना कुछ रखते रहो। यहाँ पे है ये टॉर्च और मैं इसमें बलून ढेर सारा रखी हूँ, तो उसमें से मैं स्पर्श को निकाल के दे दूँगी उसको। यहाँ पे सुबह का टाइम था, वो दूसरे दिन का ब्लॉग था और ये दूसरे दिन का है। यहाँ पे जो पानी है, पानी में तुलसी पत्ते डाल के रखे हुए, आज मैं आप लोग से शेयर करते रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मीना बना रही है चाय, जो तुलसी वाली चाय होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी में डाल दिया उसने तुलसी पत्ता। उसके बाद इसमें डालना है जीरा थोड़ा सा, और साबुत जीरा डालना है, उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन आप इसको डाल के और इसको खोलने देना। उसके बाद यहाँ पे डाला है उसने टर्मरिक पाउडर, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो आपको कितना टर्मरिक डालना है। और उसके बाद तेज पत्ता यहाँ पर उसने डाला, देन ये जब खोलने लगेगा उसके बाद इसमें काली मिर्च थोड़ा सा पाउडर आप डाल सकते हो, ऐसे कूट के डाल सकते हो, ये डाल दो। उसके बाद इसमें डाल दो आप दालचीनी, दालचीनी डालना बहुत ज़रूरी है तुलसी की चाय में। यहाँ पे इसको खोलने देना है, और ये जितना देर आप खोला, 5 मिनट के लगभग आप खोलाओ इसको। और आप इसमें चाहो तो काला नमक भी डाल सकते हैं, और लास्ट में नींबू डाल सकते हैं, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, कभी कभी हमारे दोनों टाइप से हमारे घर में बनता है। तो यहाँ पे ये खोलने लगा है, उसके बाद इसमें मीना डाल देगी चीनी जितने अकॉर्डिंग, आप चाहो तो नमक डाल के, कभी कभी हम नमक डाल के भी बनाते हैं, और अगर जैसे आप इसको काढ़ा भी बोल सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, सुबह सुबह तो ये पीना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे पापा के लिए निकल गया है क्योंकि आज चीनी डाल के बनाना था, तो पापा के लिए निकाल के उसके बाद इसमें चीनी डालेगा। एंड ये डायरेक्ट मैंने शाम को शूट किया था, वो सुबह का था और ये शाम का था। मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना रही थी, अभी भी मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ 3 दिन से अच्छे से। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ था वही मैं आप लोग के साथ 2 दिन का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताई रीज़न कि क्यों नहीं मैं बना रही हूँ। यहाँ पे वो बना रही है लौकी की सब्ज़ी, और लौकी की सब्ज़ी कभी भी हमारे घर में प्रेशर कुकर में ही बनता है क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जल्दी भी बन जाता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो लौकी की सब्ज़ी में जो हम स्टार्टिंग में डालते हैं जैसे जीरा मेथी यही सब डालना, दालचीनी डाल दो और डाल दो, उसके बाद हरी मिर्च, हमारे घर में हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ होता है सब्जियों में, लाल मिर्च है लेकिन बहुत ही कभी रेयर केस में ही डाला जाता है, नहीं तो नहीं डालते हम लाल मिर्च। अगर डालना होता है तो काश मेरी लाल मिर्च डाल लेते हैं, ऐसे लाल मिर्च पाउडर हम नहीं डालते हैं। तो दूसरी साइड में भी कुछ बन रहा है, और यहाँ पे ये लौकी की सब्ज़ी, ये जस्ट वो सब जो लगाना था वो चौका वो सब जल गया। उसके बाद यहाँ पे जल गया मतलब इन सेंस वो थोड़ा सा ना मतलब कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद
ये जो है इसको डाल दो लौकी को। लौकी डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनना होता है, देन भूनने के बाद थोड़ा सा मसाला डालना होता है, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, यही सारा कुछ डालना होता है। उसके बाद फिर से इसको भून लो, थोड़ा थोड़ी देर के लिए भूनना होता है, जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसमें सीटी लगा लो। चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग कोशिश करूँगी मैं अच्छे से बनाऊँ। बाय, टेक केयर, लव।